वेलकम टू कंधमाल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ओडिशा के मध्य हिस्से में स्थित कंधमाल जिला पहले कभी फूलबनी के नाम से जाना जाता था। ये जिला समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। मौर्य सम्राट अशोक ने जौगदा के शिलालेख में इस पर्वतीय स्थान के लोगों का उल्लेख किया है और इसे अट विकास कहा है। यहाँ के घाटों का इलाका, जिसे कलिंग कहा जाता है, मध्यकाल में यात्रियों के संपर्क में आया था। इस जगह का प्रयोग मध्य भारत तक नमक पहुंचाने के लिए किया जाता था। कुल मिलाकर कहें तो प्रकृति और इतिहास का अनूठा संगम कंधमाल की मुख्य विशेषता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जिला कितना पुराना है, तो दोस्तों, आधिकारिक तौर पर इस जिले का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। इसका गठन साल 1994 में प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फूलबनी को विभाजित कर कंधमाल के नाम से बनाया गया था। वर्तमान में ये जिला अपने दोकरा, टेराकोटा और बांस के कामों के लिए प्रसिद्ध है। कंधमाल जिला प्रकृति का स्वर्ग कहलाता है। यहाँ स्थित दरिंगबाड़ी ओडिशा का एक ऐसा स्थान है जो अपने कश्मीर जैसे नज़ारों के लिए जाना जाता है। तो वहीं यहाँ का मुख्यालय शहर फूलबनी, जो पहाड़ियों और नदियों से घिरा एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। इस जिले में आदिवासी बहुल हैं और यहाँ पर मुख्य रूप से कांधा जनजाति के लोग निवास करते हैं। कंधमाल जिले के भूगोल की बात करें तो ये कुल 8021 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसकी वर्तमान अनुमानित जनसंख्या 8,82,623 है, जिनमें करीब 65.12% लोग साक्षर हैं। तो वहीं लिंग अनुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 964 है। इस जिले के अंतर्गत 2,515 गांव हैं, जो 171 ग्राम पंचायतों में विभाजित हैं। इसके अलावा यहां एक नगर परिषद, 2 अधिसूचित क्षेत्र परिषदें और 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहां के लोगों की प्रमुख बोली उड़िया है, तो वहीं हिंदी और अंग्रेजी भी बोली जाती है। इस जिले की महज 10% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, तो बाकी की 90% जनसंख्या गांव में रहकर अपना जीवन यापन कर रही है। कंधमाल की अर्थव्यवस्था पर गौर करें तो ये जिला पिछड़ा होने के बावजूद धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर है। यहाँ की ज्यादातर आबादी अपनी जीविका के लिए खेती करती है। ये जिला अपनी हल्दी के लिए भी प्रसिद्ध है और इसके लिए इसे भारत सरकार से GI टैग प्राप्त है। कृषि के अलावा जिले का लगभग 68% हिस्सा वन क्षेत्र है, जिसके उत्पादों को बेचकर भी लोग अपना गुजारा करते हैं। यहाँ कई उद्योग भी अब पनप रहे हैं, जिसके कारण इस जिले की तरक्की को और बढ़ते हुए देखा जा रहा है। यहाँ कृषि, हस्तशिल्प, वन से जुड़े कई छोटे और मझोले उद्योग हैं। कंधमाल जिला एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों लिहाज से काफी मायने रखता है। ये ओडिशा के ऊंचाई वाले स्थान पर स्थित है, जहाँ का मौसम साल भर अनुकूल बना रहता है, यानी कि आप यहाँ एक शानदार अवकाश बिता सकते हैं। प्राकृतिक आकर्षणों में आप यहाँ नदी, झरने और पहाड़ियों को देख सकते हैं। एक प्रकृति प्रेमी से लेकर एडवेंचर के शौकीनों के लिए यहाँ बहुत कुछ उपलब्ध है। कंधमाल भ्रमण की शुरुआत आप यहाँ के प्रसिद्ध हिल स्टेशन दरिंगबाड़ी से कर सकते हैं। ये हिल स्टेशन लगभग 3000 फीट की ऊंचाई के साथ यहाँ बसा ओडिशा का एकमात्र ऐसा स्थल है, जहाँ आप सर्दियों में बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ के जलप्रपातों की सैर का प्लान भी बना सकते हैं। पुतुदी यहाँ के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जहाँ रोजाना सैलानियों का आगमन लगा रहता है। अन्य पर्यटन स्थलों में यहाँ बेलघर, चकपद, डुंगी, कलिंग घाटी, मंदसरू कुटी, बलासकुंपा,
और फूल बने शहर भी काफी प्रसिद्ध है। कंधमाल जिले की कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है। आप यहाँ रेल, हवाई या सड़क तीनों मार्गों से पहुंच सकते हैं। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा 211 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर में है। वही छोटे विमानों और हेलीकॉप्टरों को उतारने के लिए फूलबनी शहर से 5 किलोमीटर दूर गुदड़ी में एक हवाई पट्टी है। रेलवे स्टेशन को देखें तो रायरा खोल सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। वही सड़क मार्ग में ये जिला NH 157 से कनेक्टेड है। यहाँ का RTO कोड OD12 है, जो आपको यहाँ की सभी स्थानीय गाड़ियों पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, कंधमाल जिले और ओडिशा के कण कण में छोटे बड़े इतिहास और कई प्राकृतिक खजाने छिपे हुए हैं, जिसे एक ही वीडियो में बयां कर पाना संभव नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।